हाजरा, तुम्हारा राइत के साथ कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस तुम उसकी बात पर खाना छोड़कर आ गए, इसलिए। माहिन, तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। राइट से डिस्टेंस रखो। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस रखो। तुम्हें राइट से ज्यादा क्लोज या दोस्ती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ठीक लड़का नहीं है। हाजरा, आर यू इन सेंसेस? यस आई एम। इसीलिए कह रही हूँ उससे दूर रहो, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या मतलब? ठीक नहीं है मतलब ठीक नहीं है। वो वहां सिर्फ पढ़ता नहीं है, वहां के लाइफस्टाइल को अपना चुका है, उसी कल्चर का आदी बन चुका है। तो क्या हुआ, अब तो वो वापस आ गया है ना? ओनली फॉर 1 month। वो शादी अटेंड करने के लिए आई, और इस शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अपना अमेरिकन कल्चर ही जी रहा है। क्या मतलब? अब तुम बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें मतलब समझाऊं। अच्छा, तो वो इस तरह का लड़का है? जी, वो ठीक लड़का नहीं है, इसीलिए कह रही हूं उससे दूर। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें उसके हाथ खिलौना बनने का शौक है तो तुम्हारी मर्जी। कौन अच्छा लड़का नहीं भाभी जी? नहीं, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा, चले खैर। वो भाभी, आपने खाना नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपको अपने हाथों से खिला दूं। ये प्लीज। कुछ चीजें ठीक रखने के लिए हाथ रोकना पड़ता है। और मुझे ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए अवॉइड करती हूँ। वाह भाई, शी इज राइट, है ना? I mean, absolutely right on the money. देखें, you're absolutely right that sometimes we have to avoid things because यहाँ पर हर चीज़ आपके लिए digest करना मुश्किल होगी. लेकिन ना, it's completely fine. अगर आप कुछ और order करना चाहती हैं, please मुझे बताएं, मैं अभी आपके लिए order कर देता हूँ. Burger, fries, chicken, क्या खाना चाहेंगे आप? हाजरा, अब मैं जा रही हूँ. हाँ, मॉम को भी घर जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ आती. Excuse me. Of course. चलें, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। क्या बिरयानी यार! आप प्लीज किसी भी बात को दिल पर मत लगाइएगा। दरअसल ये आजकल के बच्चे हैं ना, बस कह देते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी कहने से पहले। मैंने तो अपनी बेटी समझ कर कह दिया था। एक्चुअली मेरी भाभी ना बहुत अरसे से बाहर रही हैं, तो वो ये ऊंच नीच जात पात को नहीं मानती। मैंने सोचा कि एक गरीब लड़की का भला हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि आप लोग इस प्रपोजल को लेके इतना रिएक्ट करेंगे। अरे, तुम लोग कहाँ रह गई थी कि अभी तक बातें खत्म नहीं हुई तुम लोगों की? आंटी, मैं तो हाजरा से पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? वो जाते हैं ना शादी के फौरन बाद। शादी के फौरन बाद लोग हनीमून पर जाते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ भाभी रूट कर अपने महके चली जाती हैं, और सोहेल भाई वो हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास। राहत, प्लीज। अब I was just saying, you know, I was just casually saying, you guys can carry on, take care.